हमारे साथ इस समय है प्रमोद शर्मा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं झालावाड़ से। सर, आप कई पोलिंग बूथ्स पर गए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही थी आपको? यहाँ पूरे पोलिंग बूथ पर दुष्यंत घूम करके थ्रेट दे रहा है पोलिंग पार्टीज को और यहाँ के ऐसे पुलिस कर्मियों को जो उनके दबाव में काम करते रहे हैं पिछले 30 सालों में। पर इस बार हमने वो मैकेनिज्म तैयार किया है कि पोलिंग पार्टी के अंदर कोई भी थ्रेट नहीं कर पाएगा और जो थ्रेट करके 30 साल से चुनाव जीत के आ रहे हैं अब वो नहीं चलने देंगे हम, इसलिए इनके पीछे हैं। अगर पोलिंग पार्टी को थ्रेट देंगे तो इसकी चुनाव आयोग तक शिकायत करेंगे और उनसे लिखवा करके चुनाव आयोग तक शिकायत करवाएंगे और हम इनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी। ये बड़ा आरोप लगाया सर आपने कि आपने देखा किसी को थ्रेट करते हुए? अभी 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 बिल्कुल वहाँ जो इसके पहले वाले बूथ केंद्र पे इन्होंने अधिकारियों को डराया धमकाया, सिर्फ मात्र 2 मिनट के लिए बिजली गुली हुई थी, बिजली किसी के हाथ की बात नहीं। दुष्यंत ने डराया और धमकाया कि तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके हाथ में है क्या, क्या कर लेगा वो, और अभी तक भीड़ लेके घूम रहा है वो। इस प्रकार की स्थितियां इन दोनों माँ बेटों ने पैदा कर रखी झालावाड़ के अंदर और हम इस स्थिति को धूल दूषित कर देंगे झालावाड़ के अंदर। वसुंधरा जी का कहना था, दुष्यंत का मानना था कि बिजली नहीं कई पोलिंग बूथ्स पर आ रही है जिसकी वजह से जो वोट्स देने लोग आ रहे थे उनको दिक्कतों का सामना करना। सभी पोलिंग बूथ पर बिजली है, ये लोग फालतू का न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं और बिजली का बहाना करके पोलिंग पार्टी को धमकाया जा रहा है। तो ये थे प्रमोद शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार, ये आरोप लगाते हुए कि दुष्यंत जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं झालावाड़ से, उन्होंने जो पोलिंग बूथ पर जाकर थ्रेटन किया है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, झालावाड़ आज तक।